चैप्टर टू में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, रिसेंट चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई, ये कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन करने से 15 आएगा, उसके बाद हमको नहीं लगता कुछ और आना चाहिए, उतना ही करना। चैप्टर थ्री भी आपके 10 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ 3 जन का हमको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, नबार्ड और सिडबी, दो में से कोई एक करने को लेगा, ये 3 कर लेना ढंग से, और सेफ साइड में रहने के लिए रोल ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स कर लेना बस, और नहीं करना, टोटल यही करो। चैप्टर 1 5 मार्क्स का है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस टाइम, रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, सिर्फ ये 2 कर लो, मेरे हिसाब से इससे भी काम हो जाना चाहिए चैप्टर 1। चैप्टर 5 इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है शायद, आपका 2 क्वेश्चन देता है, एक करना रहेगा या दोनों करना रहेगा, 5 5 मार्क्स अगर दिया तो। डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इंटरेस्ट रेट छपेगा सर, एकदम श्योर है। और एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन इंटरेस्ट रेट, और 3rd क्वेश्चन डिस्कस द रिसेंट चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया, ये 3 कर लो, इससे काम हो जाएगा तुम्हारा, इसको ढंग से करना, कंप्लीट हो जाएगा।